हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेलकास्ट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड रिकमेंड किया है उसके अमाउंट और रिकॉर्ड डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए 20 पैसा पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 80 रुपये के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 0.25% का डिविडेंड रिकमेंड किया है, और यह डिविडेंड इनके शेयर होल्डर को तभी मिलेगा जब आने वाली AGM में यह डिक्लेयर किया गया। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने बुक क्लोजर डेट बताई है। देखिए, 3 अगस्त 2021 से लेके 9 अगस्त 2021 तक इनकी बुक क्लोज रहेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड डेट बनी वो बनी 2 अगस्त। तो यदि आपके डीमैट अकाउंट में 2 अगस्त को जो शेयर होगा तभी आपको 20 पैसा दैट इज 0.2 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्स डिविडेंड डेट बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी 1 अगस्त, पर 1 को है संडे, 31 जुलाई को है सैटरडे, इन दोनों दिन मार्केट बंद रहेगी। तो जो एक्स डिविडेंड डेट बनी वो बनी 30 जुलाई, और डिविडेंड के लिए जो लास्ट बाइंग डेट बनी वो बनी 29 जुलाई। तो यदि आपने जो है 29 जुलाई जब उससे पहले खरीदा तभी जो है 2 अगस्त तक आपके डिमेट अकाउंट में आ पाएगा और तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। और यदि आपने जैसे पहले से ही खरीद रखा है या फिर 29 जुलाई को खरीदा है और आपको डिविडेंड चाहिए, तो आपने जैसे एक्स डेट डेट 30 जुलाई या उसके बाद बेचना है, 30 जुलाई को बेचोगे तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा। और यदि आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हुए तो आपके बैंक अकाउंट में AGM के 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी। इनकी AGM है 9 अगस्त को, तो 9 सितंबर तक आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा। ओके, थैंक्स।